चंद्र केतु का संबंध है वृश्चिक में, केतु है वृश्चिक में 12 अप्रैल 2022 तक, तो 23, 24, 25 को चंद्र केतु का जो संबंध है उसे लाभ कराना चाहिए, बेनिफिट थ्रू NRI स्ट्रेंजर फॉरनर्स। तो ये धरती के लोगों के लाभ की स्थिति है, 23 में 24 में कहीं से अनजान लोगों से लाभ हो सकता है। 24 तारीख 9:11 गुरु आ रहा धनु में, 25 धनु 26 धनु, वक्री शनि देख रहा है धनु को, और 26 को शनि चंद्र शनि का मकर में संबंध है, 27 को मकर में सामने मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, 24-25 में सामने जो है मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, और जो तुम्हारा चंद्र इसका संबंध जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो 23 जून को चंद्र केतु एक साथ हैं, बुध सामने है, बेटर देन बेस्ट। चंद्र बुध चंद्रमा 8 में और बुध 2 में। मैनफिन फॉर एमरजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी, तो NRI से लाभ बेनिफिट से जो है स्थिति बनती है, जैसे हमने कर दिया 24 में चंद्र सूर्य आमने सामने, बेनिफिट फ्रॉम LMB प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसमें एक ही नेगेटिव है, शनि वक्री है, गुरु भी वक्री है, गुरु वक्री है कुंभ में, शनि वक्री है मकर में, तो कोई कानूनी खर्चा करना है, सेल टैक्स का खर्चा, इनकम टैक्स का खर्चा, GST का खर्चा, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, GST का वकील, उनकी पेमेंटें की जा सकती हैं, वकीलों की, कानून से संबंधित लोगों का जो है देना ठीक रहेगा। चंद्र शनि में वैसे फूड पॉइजन होता है, खाना हजम नहीं होता। तो 24 को चंद्र 9 में है, 25 को चंद्र का संबंध बन गया, 26 को चंद्र शनि का संबंध है, सामने मंगल शुक्र है, तो 26 जून बड़ी अजीब सी है, चंद्र मंगल शुक्र का संबंध जो बन गया, कोई ट्रक पकड़ा जाए, कोई ऑटो पकड़ा जाए, कोई बस पकड़ा जाए, कोई घर के माहौल में प्रॉब्लम, गाड़ी के माहौल में प्रॉब्लम, कोई घर का राज खुले, कोई गाड़ी का राज खुले, कोई फार्म हाउस का राज खुले, ज़मीन जायदाद का राज खुले, चंद्र मंगल में राज खुलते हैं। तो 26 जून को ये धरती के लोगों के घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद के राज खुल सकते हैं, कोई वकीलों का राज खुले, कोई होटलों का राज खुले, शुक्र है होटल, 5-स्टार होटल, रेस्टोरेंट का राज खुल जाए, शुक्र जो है ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट का राज खुल जाए, और चंद्र शनि है, कोई मंगल है, कोई वकीलों के राज खुले, कोई जज के राज खुले, और चंद्र मंगल में हो गया, कोई पुलिस वालों के राज खुले, कोई मिलिट्री का राज खुले, कोई राज खुलने की संभावना बन गई, चंद्र मंगल में राज खुलते हैं। तो इस धरती के लोगों के 25, 26, 27 जून में राज खुल सकते हैं, कोई घर का राज, कोई गाड़ी का राज, कोई व्हीकल का राज, कोई ट्रक का राज, कोई बस का राज, कोई पेट्रोल का राज, एक्सपोजर्स 26 जून को। 27 जून में भी चंद्र शनि मंगल शुक्र है, तो घर, गाड़ी, फार्म, जमीन जायदाद के एक्सपोजर, औरतों के एक्सपोजर, जज के एक्सपोजर, वकील के एक्सपोजर, पुलिस के एक्सपोजर, गाड़ी के एक्सपोजर, कार के एक्सपोजर, ट्रक के एक्सपोजर, व्हीकल के एक्सपोजर, ऑटो के एक्सपोजर, बस के एक्सपोजर, घर का डिफार्म और जमीन जायदाद का माहौल बड़ा अजीब सा रहेगा। 28 जून को चंद्र गुरु इकट्ठा है, चंद्र गुरु जो है 11 नंबर में है, तो बैंथ ब्रांड, बैंथ सोसाइटी कम्पलीशन और रिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग बैंथ एल्डर्स, घर का सुख ठीक रहेगा, गाड़ी का सुख ठीक रहेगा, दिमाग सही काम करेगा, चंद्र गुरु बेटर देन बेस्ट। और 29 जून को चंद्र गुरु इकट्ठे हैं, तो भी बेनिथू फ्रेंड बेनिथू सोसाइटी कम्पलीशन और जेड सक्सेस इन अंडरटेकिंग बेनिथू एल्डर्स। और 30 जून को
30 जून भी बेटर देन बेस्ट वेंथ ब्रांड वेंथ सोसाइटी कम्प्लीशन ऑफ डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग। और उसके बाद ये हो गया तो उल्टा जाएगा 1 जुलाई को चंद्रमा है मीन में, तो हाउस टैक्स की पेमेंट, सेल टैक्स की पेमेंट, इनकम टैक्स की पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट, कपड़े की पेमेंट, घर की पेमेंट, गाड़ी की पेमेंट, रेंट की पेमेंट, वाटर टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कपड़े की पेमेंट, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, खर्चे अस्पताल के खर्चे, मेडिकल के खर्चे, इंटरनेशनल टूरिंग एक्सपेंसेस फॉर फैमिली, 2 जुलाई को भी चंद्रमा मीन में है, एक्सपेंसेस 3 जुलाई को एक्सपेंसेस अपने लिए, अपनी इंश्योरेंस, अपने बैंक लॉकर, अपने बहन भाइयों के लिए खर्चा, अपनी गाड़ी के लिए खर्चा, अपने बच्चों के लिए खर्चा, अपने कर्जों का खर्चा, इंस्टॉलमेंट का खर्चा, पत्नी का खर्चा, पार्टनर का खर्चा, ससुराल का खर्चा, धर्म का खर्चा, मंदिर का खर्चा, व्यापार का खर्चा, सैलरीज, दुकान की सैलरी, मॉल की सैलरी, फैक्ट्री की तनख्वाह, लाभ, एक्सपेंसेस, टूर, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, कार के खर्चे, तो 3 जुलाई को अपने से संबंधित कर से सेल्फ मेडिकल इंश्योरेंस, सेल्फ ड्रेसेस, सेल्फ ब्यूटी पार्लर, अपने लिए जो भी आदमी ने खर्चा करना है। 4 जुलाई को चंद्रमा है मेष में, 4 जुलाई को भी अपने ऊपर खर्चा, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी फैमिली पे खर्चा, अपने परिवार पे खर्चा, अपने रिश्तेदारों पे खर्चा, अपने बच्चों पे खर्चा, अपने बैंक पे खर्चा, अपने पार्टनर पे खर्चा, अपने ससुराल पे खर्चा, अपने बिजनेस पे खर्चा, अपनी विदेश यात्रा पे खर्चा, वीजे वूजे लगाने हैं तो 5 जुलाई में भी जो है अपने एक्सपेंसेस ऑन सेल्फ। 6 जुलाई को चंद्र बुध राहु, तो चंद्र बुध राहु में कोई पेमेंट मिल सकती है, फैमिली से सपोर्ट, बैंक बैलेंस ऑन फेलोशियर सर्टिफिकेट, बॉन्ड ज्वेलरी, बेनिफिट फ्रॉम एजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी, तो एजेंसी से लाभ, बैंक टू फ्रेंड, बैंक टू सोसाइटी कम्प्लीशन ऑफ डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बेनिफिट टू एल्डर्स, 6 जुलाई को कहीं ना कहीं से लाभ आ सकता है थोड़ी सी रुकावट के साथ में। 7 जुलाई को भी, 7 जुलाई का बुध चला गया मिथुन में, तो भी बंधन कोई ससुराल से फ़ायदा, तो पेंशन का फ़ायदा होगी, वसीयत से फ़ायदा, तो बैंक से फ़ायदा, बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड ज्वेलरी। जब 8 जुलाई को चंद्र सूर्य बुध मिथुन में है, तो जो मिथुन में इस धरती पे जितने भी मिथुन राशि वाले हैं उनकी तो दुल्हे जैसी इज्जत हो सकती है, दुल्हन जैसी इज्जत हो सकती है, कोई अखबार में फ़ोटो, कोई टीवी पे फ़ोटो, कोई अच्छा हो सकता है, कोई मन की मुराद पूरी हो सकती है मिथुन वालों की। कुछ चंद्र सूर्य बुध मिथुन में है तो मिथुन वालों का है, कोई 3 नंबर में सूर्य बुध चंद्र बेटर देन बेस्ट, नो बेटर देन बेस्ट। 10 जुलाई को बेटर देन बेस्ट, 11 जुलाई को चंद्र मंगल शुक्र और शनि का योग है, चंद्र मंगल शुक्र शनि का योग होने की वजह से इस धरती के 10-20-50% लोगों के दरवाजे खुल सकते हैं, कोई घर का राज खुले, गाड़ी का राज खुले, ज़मीन जायदाद का राज खुले, कोई विदेश की ज़मीन का राज खुले, कोई विदेशी पत्नी, विदेश की ज़मीन, कोई विदेशी होटल, कोई विदेशी शॉपिंग मॉल,
कोई एक्सपोज़र, कोई घर गाड़ी फार्म जमीन जायदाद का एक्सपोज़र, ट्रक का एक्सपोज़र, बस का एक्सपोज़र, व्हीकल का एक्सपोज़र, घर का एक्सपोज़र, गाड़ी का फार्म जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, स्विमिंग पूल, पानी का जहाज का एक्सपोज़र, और 10-20% लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है। कुछ के संबंध जुड़ जाएंगे, कुछ के संबंध टूट जाएंगे। तो 11-12 जुलाई में कुछ का बन जाएगा, कुछ का अच्छा होगा, कुछ का परेशान होगा। सेल टैक्स वकील की पेमेंट, इनकम टैक्स के वकील की पेमेंट, फिर चंद्र गुरु संबंध है, चंद्र 5 में, गुरु सिंह में। तो 13 जुलाई की हो, इस धरती के लोगों को बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी कम्पलीशन डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग बैंथू एल्डर्स। और 14 जुलाई बेटर देन बेस्ट बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी कम्पलीशन डिजायर, ओके बढ़िया। चंद्र गुरु 15 जुलाई में भी, चंद्रमा 5 में, गुरु 11 में, बेटर देन बेस्ट। 16 जुलाई चंद्रमा कन्या में, तो नौकरों की पेमेंट, मेड सर्वेंट की पेमेंट, सर्वेंट की पेमेंट, मेड सर्वेंट की पेमेंट, बैंक की पेमेंट, सेल टैक्स वकील की पेमेंट, इनकम टैक्स के वकील की पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट, खर्चे, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस। फिर उसके बाद 18 जुलाई को चंद्रमा है 7 में, बुध है लखा उसमें, मंगल की दृष्टि है तुला राशि पे, केतु को देख रहा है, केतु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है तुला राशि को, कुल मिला के ठीक है। इसके बाद 21 जुलाई को मंगल भी सिंह में, शुक्र भी सिंह में, तो इस धरती के लोगों का 100%, 200%, 300% जो सही दिमाग काम करेगा, 21 जुलाई के बाद ही धरती के लोगों का दिमाग काम करेगा, बेटर देन दी बेस्ट।